तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL को लेकर। अगर आप BSNL में अपना नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं, फिर नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने एक नया कनेक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप पोर्ट कराना है तो आपके लिए क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातों को आप ध्यान रखकर और आप पोर्ट करा सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप एक नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो घर बैठे ही किस तरीके से मंगवा सकते हैं, जो कि रिचार्ज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें किस तरीके से जानना है कि आखिर रिचार्ज किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें करना क्या है, अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाने के बाद उन्हें प्ले स्टोर को सिंपली ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में लिखेंगे यहाँ पर सर्च बार में BSNL, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर सर्च कर देंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी BSNL, और आपको इस पर सिंपली क्लिक करके और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। अगर आपके पास BSNL का नंबर नहीं है तब भी आप किसी भी नंबर यानी कि किसी भी कंपनी के नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे ओपन कर लेंगे, उसके बाद में आप रिवार्ड्स पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सारे के सारे जो प्लान्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि आखिर इसमें कौन सा प्लान कितने रुपए का है और कितने समय के लिए है, कितना यहाँ पर डाटा दे रहा है, और इसी के साथ में डाटा के साथ में यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये 247 रुपए का है, 50 GB आपको डाटा मिलेगा, लोकल STD आपको कॉल्स मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 50 GB डाटा जो कि आपको एकदम इकट्ठा दे रहा है, और यानी कि और ये 30 दिन की वैलिडिटी दे रहा है, ठीक है। और आप एयरटेल की बात कर लेंगे तो यही प्लान आपको 299 रुपये में पड़ेगा और आपको 1.5 GB पर डे डाटा मिलेगा, ठीक है। तो और इसी के साथ में और आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, पर वहाँ पर 50 रुपये बढ़ती मिलेंगे, दिन भी कम मिलेंगे और आपका जो डाटा है वो भी कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल रहा है लोकल STD जो कॉल है वो आपको मिलेगी, डाटा प्लस आपको मिलेगा, BSNL टून्स आपको यहाँ पर यूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है ये 3 GB डाटा है, ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप 3G डाटा को यूज करना चाहते हैं तो 251 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं और आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको 70 GB डाटा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर उसकी जो स्पीड है वो 4G के 5G के मुकाबले थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी प्लान इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर 270 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लोकल STD जो कॉल है वो आपको मिल जाती हैं, डाटा मिल जाएगा, और अटेंडमेंट के लिए आपको गेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इनके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिर आप कौन सा रिचार्ज कराना है, कि पता चले कहीं आप 5G के चक्कर में आप यहाँ पर 3G वाला रिचार्ज करा लें और उसके बाद में जो आपका इंटरनेट है वो ढंग से चले ही ना, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, अब आप पोर्ट कराने से पहले, ठीक है, आपको एक नया कनेक्शन ले लेना है, ठीक है। ज़्यादा में ज़्यादा 100-150 रुपए की ही सिम मिलेगी, उसमें सस्ता वाला आप प्लान करा लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप अपने फ़ोन में वो सिम को डाल लीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद आप ये देख लीजिएगा कि वो सिम आपके फ़ोन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, सही से। अगर आपके फ़ोन में सही से चल रही है, उसके नेटवर्क वगैरह सब कुछ सही आ रहे हैं, तब आपको पोर्ट कराना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने बस रिचार्ज के हिसाब से ही उसे पोर्ट करा लिया, ठीक है, एयरटेल की या फिर BI की या फिर जियो की, ठीक है। उसके बाद में जब आप BSNL में चले गए तो 3 मंथ से पहले आप वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ये पोर्ट करने के नियम होते हैं, ठीक है। तो आपने पोर्ट कर दी, फिर आप चाहें कर भी जियो में या फिर BI में या फिर वोडाफोन में या फिर आइडिया में या फिर क्या कहते हैं अपने एयरटेल में भी वापस नहीं आ सकते हैं 90 दिन तक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहले आपको एक नया कनेक्शन ले लेना है। नया कनेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप इसे एप्लीकेशन के भी माध्यम से यहां पर न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको करना क्या है, आपको यहां पर सिंपली क्लिक करना है, आपको सर्च बार में लिख लेना है BSNL सिम, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बाय BSNL प्रीपेड सिम ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि सिम होम डिलीवरी इन 90, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर ये भी देखने को मिल रहा है, आप जो भी सिम ले रहे हैं वो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के लीजिएगा कि वो 5G सिम है कि 4G सिम है या 3G सिम है, ठीक है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 5G के चक्कर में आपने हैंडसेट तो 5G का ले रखा है, पर आप वहाँ पर 3G सिम ले लें, 4G सिम ले लें, ठीक है। सेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर और आप यहाँ पर एक न्यू सिम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन होम डिलीवरी। पर इसके लिए आपको यहाँ पर समय भी लग सकता है, ठीक है। इसी के साथ में अपना पिन कोड डालकर आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये सिम आपके एरिया में अवेलेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि BSNL वाले इस चीज़ को भी जानते हैं कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, अगर हम वहाँ पर सिम डिलीवरी करते भी हैं तो जब नेटवर्क ही नहीं होंगे तो वहाँ पर जो सिम है वो यानी कि चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो जब चलेगी नहीं तो कोई व्यक्ति कौन अपने फ़ोन में डालेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है।